बहुत शुक्रिया आप सबका, और नए परिवार में आप सबका स्वागत है। दो तीन मिनट की बात करना चाहता हूँ, फिर डायलॉग करता हूँ ऑन स्टेज। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पे, तो मैं चाहता हूँ कि मन की दो मिनट बात कर सकता हूँ क्या मैं दो मिनट बात। सो नए प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख के कुछ लोग तो हैरान भी हो रहे होंगे। सुबह से मैं इतने फोन मैंने कभी जिंदगी में अटेंड नहीं किए, और सिर्फ एक ही सवाल है, आप बेस्ट चीज में हैं? आपने नेस्टेज छोड़ दी है? क्यों छोड़ी? आपने तो कहा था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने तो कहा था मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी हो। आपने तो कहा था मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने कंपनी हाँ छोड़ दी। पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदगी पर धृतराष्ट्र के साथ रहूंगा, हस्तिनापुर के साथ रहूंगा मरते दम तक, है ना? क्या बोला? मरते दम तक भीष्म प्रतिज्ञा करी। उनका नाम हो गया पितामह भीष्म हो गया। अब केरल में तो बहुत शानदार इंसान थे वो, क्योंकि वो पितामह भीष्म थे। लेकिन उन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे अत्याचार होते हुए देखे। अगर वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर वो प्रतिज्ञा तोड़ लेते तो द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा, तू लुट जा। मैं पितामह भीष्म वर्ग के अपने लोगों की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता था, तो मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक आदमी ने बोला आपने कैसे छोड़ दी? कैसे 5,000 रुपए नहीं छोड़ते, मैंने 25 लाख का प्याऊ छोड़ा है भाई। सो एक महात्मा जी, मैं सुना रहा था किसी को, एक ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे महात्मा जी। एक सूट बूट वाला आदमी बैठा, वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में घुसा अंदर, तो जैसे ही देखा तो एक महात्मा जी गेरु हुए वस्त्र में बैठे हैं, बढ़िया सा सैमसोनाइट का ब्रीफकेस है। अब वो आदमी भी चढ़ गया सूट बूट वाला, उसने कहा देखो आजकल क्या कलयुग आ गया, महात्माओं को भी फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम साला कैसे महात्मा हो? फर्स्ट क्लास चाहिए, सैमसोनाइट का बैग रखा है, हाथ में iPhone 10 रखा है, तुम कैसे महात्मा हो? तुम भी तो सारी सुख सुविधा भोग रहे हो जो हम भोग रहे, सिर्फ कपड़े का ही तो फर्क है। तुमने दूसरे रंग के पहन रखे, हमने किस चीज का फर्क है? कपड़े का ही। तो महात्मा को लगा दे गालियां। हम महात्मा जी सुनते रहे, बोले बात तो तेरी ठीक है, तूने हमारी आंखें खोली, तेरे मेरे घर में क्या फर्क है, सिर्फ कपड़े। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, महात्मा जी ने बोला आप चाय पियेंगे बाहर। चलो जी, दोनों चाय पीने लगे, टेबल पर बैठ के चाय की चुस्की शुरू हो गई। इतने में ट्रेन जाने लगी, महात्मा जी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, वो उठ के जाने लगा। महात्मा जी ट्रेन जा रही है, महात्मा जी का जैसे तेरी जा रही है वैसे मेरी जा रही है। जाने दे ट्रेन का क्या है, तो जाती आती रहती। उसने कहा महाराज मेरा सामान जा रहा है। बोला जैसे तेरा जा रहा है वैसे मेरा जा रहा है, क्या फर्क है? सिर्फ कपड़े का। कपड़े हम हमारे पास है, हम दो जोड़ी तेरे को दे देंगे, रह अपना आराम से, 2-3 दिन बाद चलेंगे। उसने कहा मुझे जाने, तो मेरी ट्रेन जा रही है। महात्मा जी ने बोला फर्क बता साले तेरे में और मेरे में फर्क क्या? उसने बोला मुझे नहीं पता। बोला जब तक फर्क नहीं बताएगा तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला एक ही फर्क है, आप अपना सब कुछ अभी छोड़ सकते हो, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आप अपना सब कुछ अभी छोड़ सकते हो, कभी नहीं छोड़ सकते। मैंने 15 साल की मेहनत के बाद अपना सब कुछ यूं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पुरुषार्थ में ताकत होगी तो मैं फिर खड़ा कर लूंगा। वाह, इट्स अ पेनफुल डिसीजन, इट्स नॉट अ इजी डिसीजन, इट्स नॉट अ जॉयफुल डिसीजन, ये बहुत पेनफुल डिसीजन है। मैं सुबह बहुत रोया हूँ और मैं बोलते बोलते भी शायद इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन अब होना नहीं चाहता, अब स्ट्रांग बनने का टाइम आ गया है, है ना? तो सुबह से मैंने बहुत सारी बातें सुन ली हैं, कुछ गालियां भी मुझे मिली हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी, आप धोखेबाज निकले टाइप्स, आप तो 200 करोड़ में बिक गए हो। मेरा जूता फट गया था, एक लड़का वो लगा के लाया इसको, कहाँ रहे वो लड़का वीरेंद्र भाई? ये देखो ये मेरे जूते में आज वो लगा के लाया, एल्फी क्या लगवाई तुम्हें? और मुझे मिले 200 करोड़।
सौदा कर लेते हैं, 100 इधर दे दो, 100 आप रख लो। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए गौतम जी, मैं ये चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, अगले एक साल में सब मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आ जाए, बस इतना आप कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगस्त मंथ का पेआउट मेरा नेस्विस से 22 लाख रुपए का है। आई अर्न 22 लाख रुपीज फ्रॉम नेस्विस विदाउट डूइंग अ सिंगल थिंग, और पूरे महीने मैंने ना काम किया है ना किसी को करने दिया है। मुझे नेस्विस से बहुत प्यार है क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत वही है और वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी। मैं ये भी बता दूंगा, पहली मोहब्बत कभी बदल नहीं सकती है, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर चेंज, अब समय आ गया है बदलाव का। इट्स अ पेनफुल डिसीजन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत दुख भरा डिसीजन था और ये एक रात में लिया गया डिसीजन नहीं है, सोचा समझा लिया गया डिसीजन है। आसान नहीं था मेरे लिए और बहुत इमोशनल आदमी हूं मैं, और मैं रिगार्ड करता हूं उस कंपनी के डायरेक्टर का जिनके साथ मैंने 15 साल काम किया। मेरी नजर में उनकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रहेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी नजर में उनकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। कभी जिंदगी में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको पहला कॉल जरूर करूंगा। आज उन्होंने मुझे बोला कि सोनू जी मैं और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कॉल करना, या मुझको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। वी बोथ क्राइड, मैंने पहली बार अपने डायरेक्टर को आंखों में आंसू देखे और मैंने फफक फकर के रोया। हालांकि वो एक मुझे उनसे बहुत प्यार है, मुझे उनसे बहुत, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मेरी जिंदगी में मेरी नजर में उनका जो एक औहदा है वो हमेशा रहेगा। एंड नोबडी कैन रिप्लेस हिम, नोबडी एवर कैन रिप्लेस संतोष चंद्राकर इन माय लाइफ। ये तो मैं आपको बट इट्स अ टाइम फॉर चेंज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अपने लोगों के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ, अपने बारे में तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं वहां पर बहुत चीजें बदल सकूं अपनी मेहनत से, लेकिन वो मेरे प्रयास हमेशा असफल होते गए। आखिर में मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मैं आपको डिटेल में सब बातें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ लोग इतने मैच्योर नहीं भी होंगे कि वो सब बातों का लेवल समझ भी सकेंगे। शायद आप इतना ही समझ लीजिए कि 15 साल जिसको पाला पोसा बड़ा किया, आज उसको विदा करने का समय था, और ये आसान कभी नहीं होता। मैंने अपना करियर स्कूटर से शुरू किया था, टुडे आई एम हैविंग ई क्लास मर्सिडीज, अ फैन फॉलोइंग ऑफ 100 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब। इज नॉट अ इजी टास्क लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आसान बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो 15 सेकंड के क्लिप चला रहे हैं कि मैं जिंदगी में ये काम को नहीं छोड़ूंगा टाइप फलाना और ढिमकाना, लेकिन मैं भीष्म की तरह अपनी प्रजा का चीरहरण होते हुए नहीं देख सकता। मुझे प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही गाली मिले, कितना ही गाली लोग मुझे दें। मैं उनका विशेष तौर पे आदर और सत्कार करता हूँ जो नेस्विस में अभी भी हैं और यहाँ नहीं आए। मेरे मन में उनके लिए और रिगार्ड है, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं उनको दुआ देता हूँ कि वहां पर खूब पैसा कमाएं, खूब आगे बढ़ें और नेस्विस को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने के लिए अपनी मेहनत करें। यहाँ हम इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाने की मेहनत करेंगे। एक टफ कॉम्पिटिशन होगा तो मजा आएगा। समय बहुत कम है, बहुत नहीं है मेरे पास, मैं बात नहीं पाऊंगा। मुझे मौका लग गया तो मैं फिर आराम से बैठूंगा। बस इतनी बात समझ लीजिएगा कि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा के आया हूँ, तो मैं कुछ बहुत बड़ा ही करूंगा। 25 छोड़ के 25 कमाए तो क्या कमाए, 25 छोड़ के कम से कम 2.5-3.5-10-20-50 करोड़ एक दिन का कमाए तो मजा आएगा। एक बार मेरे कहने पे तालाब में कूद गए हैं यार, बिना ये सोचे समझे कि आपका भविष्य क्या होगा। तालियां मैं हकदार नहीं हूँ उस तालियों का, आप लोग हकदार हैं यार कि बिना सोचे बिना समझे आपने अपना करंट पेआउट साला तिनके की तरह तोड़ के यहाँ पे आ गए। तालियों के आप हकदार हैं, मैं बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। आपने एक सेकंड नहीं लगाया और आपने उस वादे को पूरा किया जब आप मुझे कहते थे कि सर जहां आप होंगे वहां, आपने कहा नहीं, हुआ आपने करके दिखाया। और मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगला 10-15-20-25 साल हम जितना भी साल उम्र रहेगी हमारी जिंदगी में, हम कंधे से कंधा मिला के एक साथ काम करेंगे और आपको ऊपर तक ले जाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा।
और मैं बुलाना चाहता हूँ उन व्यक्ति को जिन्होंने मेरा फॉलो किया और फाइनली मुझे तोड़ दिया, जोड़ दिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और ये मैं पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एट लास्ट में बेस्टिंग में इसलिए नहीं आया कि ये इंडिया की नंबर वन कंपनी है। मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, मैं इसलिए नहीं आया कि ये 2000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 10 कंट्रीज में है और इनके यहाँ पर इतने लोग गाड़ी लिए हैं, ये लोग इतना पैसा कमाए हैं, ये मैं इसलिए नहीं आया। ये मेरा चॉइस ये देख के नहीं था। अगर ये 200 करोड़ करती होती या 300 करोड़ करती होती और गौतम वाले इसके डायरेक्टर होते, मैं फिर भी आ जाता था शायद। तो रीजन वो टर्नओवर नहीं था, रीजन वो ग्रोथ नहीं था कि 10 साल में इतना किया, रीजन था वो व्यक्ति जिनके साथ मैं मिला, जिनके साथ मैं मिलके मुझे समझ में आया कि जिस मेंटर की मुझको तलाश थी, जो मुझे मेंटरिंग कर सके, अब तक मेरे ऊपर कोई नहीं था इस बिजनेस में। मैं जब ऊपर देखता तो सब एक खाली मैदान था, मेरे नीचे तो बहुत कुछ था, मेरे ऊपर सारे अपनी समस्याएं मुझे आके बताते थे, मैं सॉल्व करता था। मेरे घर में एक पंचायत लगती थी रोज, आप सबको पता है, मतलब रूबी से लेकर क्राउन एम्बेसडर की पंचायत मेरे घर में होती थी। और मेरा शीशे का दरवाजा है जहाँ ड्राइंग रूम में बैठते हैं, मां बहन की गाली होती तो शीशा बंद करते थे कि बाहर ना जाए क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस होते थे। वो मेरे घर के सोफों ने बहुत सारी गालियां सुनी है, अब्सॉर्ब है उन सोफों में वो गालियां, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ बदल दूं सोफों में क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है उन सालों में से, मतलब। लेकिन आपने मुझे अपनी समस्याएं बताई, मैंने अपनी यथाशक्ति जो मेरे पास संभव था मैंने प्रयास किया, लेकिन मेरे को जब समस्या आई, मेरे ऊपर कोई नहीं था उस समस्या को समझने वाला, मैं अंदर ही अंदर लेके उसको रोता रहा, पिटता रहा और खुद से ही जो कर सकता था किया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे गौतम जी के रूप में एक मेंटर मिला है कि मैं अपनी समस्याएं कम से कम किसी को बता पाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अनाथ था सर, इन नेटवर्क मार्केटिंग हमारा कोई माई बाप नहीं था, है ना। तो अब खुशी है कि आपके साथ अपने दिल की बात, तकलीफें, दुख जो नेटवर्क मार्केटिंग में या बिजनेस में होते हैं, वो शेयर करने के लिए मुझे कोई, कभी कभी मेरा मन करेगा कंधा ढूंढने का, रोने का, तो मैं आपका कंधा इस तरह रख के रो पाऊंगा क्योंकि आपका हाइट मुझसे बढ़िया, मेरा सर आ भी जाएगा। इलेक्ट्रिक और गौतम जी एंड कमलवीर सिंह जी, जिनके साथ मेरी बहुत मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। और आप सबका स्वागत है वेस्टीज परिवार के अंदर। सोनू जी ने अभी आपसे कुछ गलत बात बोली कि इनके साथ हमारा सौदा नहीं हुआ, हमारा इनके साथ सौदा हुआ है और वो सौदा सिर्फ सोच का सौदा था। मैं पहले बना था इनका मुरीद, इनका एक मेरी जान पहचान की एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक दिन जनवरी के महीने में मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया, जैसे जर्नली सुबह गुड मॉर्निंग के आपको आते हैं, मोटिवेशन के आते हैं। तो मैंने जब पहली बार वो वीडियो देखा तो मैंने कहा यार आदमी बोलता बहुत अच्छा है, क्या सोच है, क्या कंटेंट है, ऐसे कि कौन सा स्पीकर है जिसको मैंने कभी पहले नहीं सुना। तो जैसे इनके जादू का आपको पता है कि एक बारी में कभी दिल नहीं भरता, राइट, मेरा भी नहीं भरा। मैंने उस वीडियो को फिर से देखा, जब मैंने उस वीडियो को फिर से देखा तो पीछे स्टैंडी के ऊपर एक लोगो नजर आया जहां पे पॉज करके मैंने उसको जब जूम किया तो लिखा हुआ था। तो मेरे को जान पहचान के लोग जो पहले उस परिवार में थे उनसे मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड किया, मैंने कहा क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, उन्होंने कहा कि यस इनका नाम मिस्टर सोनू शर्मा है, मैंने कहा क्या इनका नंबर है, उन्होंने मेरे को नंबर फॉरवर्ड किया और इनका वीडियो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया, ये कहते हुए कि आपका वीडियो देखा, आपकी लीडरशिप, आपके बोलने का तरीका, आपका कंटेंट इज सुपर एंड आई एम हाईली इंप्रेस्ड। सो जैसे आपको पता है व्हाट्सएप में ऊपर आपका नाम रिफ्लेक्ट करता है व्हेन यू सेड, सो वहां से सिर्फ हमारी चैटिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद शायद रिपब्लिक डे, होली वगैरह के ऊपर कभी हमारे हो जाने, इन्होंने मेरे को भेजना, मैंने इनको भेजना, थैंक यू सो मच एंड सेम टीम चलता। सो एक बार हमारी इनकी मुलाकात हुई किस बात के लिए, मैं सही बात कहूंगा कि आज तक
हमने कभी किसी को इस मामले से अप्रोच नहीं किया कि उनको हम अपने सिस्टम के अंदर लाएं या कुछ करें। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक कंपनी चलेगी या हमारे भारतवर्ष में एक कंपनी चलेगी, बहुत कंपनियां आएंगी और जो कंपनी बेहतर सर्विस देगी अपने लोगों को और आगे आने वाले समय की हमेशा सोच रखेगी, जिसकी सोच सिर्फ अपने लोगों के प्रति होगी वो कंपनी हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगी। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है बाकी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। सो उस सोच के एक्सचेंज के लिए कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग से आप 15 साल से हो, मैं 23 साल से हूं, मेरा जो दुनिया भर का भी एक्सपोजर है, चलिए मिलते हैं, आप क्या नया कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है, वो हमारी वहां से मुलाकात शुरू हुई। और धीरे धीरे हमने सिर्फ एक चीज देखी कि हम दोनों की सोच एब्सोल्युटली सेम थी, राइट। आज 15 साल की मेहनत के बाद जो है रेस्टलेस छोड़ के आ रहे हैं। मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड की नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ, जिसके अंदर मैंने 12 साल काम किया, राइट। कंपनीज कैसे चलाते हैं, कंपनी कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति से बड़ी होती है, कंपनी उस प्रकार की बनानी चाहिए कि फाउंडर उसके रहे ना रहे कंपनी तब भी ग्रो करती रहे। वो एक्सपर्टीज, वो ज्ञान सब कुछ लिया। 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई, मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जो आज के दिन पे भी मेरा पहला प्यार है, जिसका नाम है मोदी केयर। उस कंपनी में मैं गया, लगभग 5-6 साल के लगभग समय में मैं उसका नेशनल सेल्स हेड था। 2001 में छोड़ा, कंपनी बहुत बढ़िया आज के दिन पे भी चल रही है और ग्रो करे। उसके बाद एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई में 2002 में जो नंबर वन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी उसके अंदर मैं कुआलालंपुर गया और उनका इंडिया ऑपरेशन शुरू किए और 2004 में उसको छोड़ दिया। एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी छोड़ी, तीसरी कंपनी छोड़ी, सब अभी चल रही है, सब बेहतर कंपनी है, पर कारण क्या था कि हमारी सोच अलग थी। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरा नाम है गौतम बाली, कद है मेरा 6'3", भार कोई खास नहीं है, राइट। उम्र मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं, जिसको पता भी हो तो खबरदार बताई, सफेद मूछें सब कुछ बता देती है। देखिए कोई भी एक व्यक्ति कभी कोई विशाल कार्य नहीं कर सकता, तो जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की तो जो मेरे साथ पिलर हमारे टीम के लोग आए वो मिस्टर कन्वरबीर सिंह, जिनके साथ अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और मिस्टर दीपक सूद, दीपक सूद के साथ जो पहली बार यार मिल रहे हैं, राइट। वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एजुकेशन सिस्टम के करके और सिस्टम के सपोर्ट के करके हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते और महीने में 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, महीने में 1.25 लाख से 1.5 लाख की आमदनी है। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, राइट, वो महीने में 6 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पे जा चुके हैं। एक चीज बिफोर आई हैंड ओवर द माइक बैक टू मिस्टर सोनू जी, कि इन 15 साल के अंदर हमने वो सब किया जो बाकी किसी ने नहीं किया। जब हमने शुरुआत की थी हमारे पास कुछ नहीं था, हम 3 लोगों ने अपनी तनख्वाह से जो पैसे थे थोड़े से उसको लगाया, दिन रात मेहनत की, लीडरशिप को एक वायदा दिया उज्जवल भविष्य का, और उसके ऊपर हम हमेशा पूरे उतरे। आज के दिन पे मुझे कोई सपना दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 साल का इतिहास बताता है कि वेस्टीज ने वो किया जो बाकी और कोई कंपनी नहीं कर सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन कि आपने वेस्टीज का चुनाव किया, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल, थैंक यू। मेरा कुछ कहना बनता नहीं है इसके बाद, तो आप फॉर्म भरी और लाख दो जो है जेब में दो। तो मैं अकेला नहीं हूं इस सफर के अंदर, गौरव और संदीप अगर उस दौरान नहीं होते साथ तो मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता। एक्चुअली मेरा फॉलो करने वाले ये 2 प्राणी हैं जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं, वैसे अपना ही नॉमिनेशन का फॉलो करके यहाँ रिवर्स गेयर मारा है, नीचे से पंप मारा ऊपर कि आदमी को ऑर्बिट से बात नहीं गिर तुम लोगों ने साले हमने बात। गौरव और संदीप इसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन के लिए जितना मैं हूँ, तो जब भी इस डिसीजन की बात होगी
तो इन दोनों का नाम भी उतना ही बराबर जाना जाएगा जितना मेरा जाना जाएगा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द न्यू फैमिली। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है यार। मेरी मार, मेरी डांटे, मेरी पिटाई, मेरी गालियां वैसी पड़ने वाली हैं। तैयार हो ना लोग? मतलब मैं हैरान हुआ था, मैं अंदर आया था, आप ताली बजा रहे थे, पहली बार देखा है इतना सामूहिक कोई, अगर पहली बार देखा कोई सामूहिक इतना बड़ा प्याम छोड़ गया है, वो खुश हो रहा है। मतलब नौकरी जाती है तो लोग खुश तो नहीं होते यार। तुम सबकी नौकरियां चली गई एक्चुअली, तो किसी को 1 लाख आ रहे थे, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख। वो शिवानी हंस रही है, कह रही है तो मैंने गाड़ी ली है, गौरव हंस रहा है 5-5 लाख की चेक छूट गया, लेकिन मनी की बात तो खुश हो रहे यार। एक्चुअली ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द इनकम आई अर्न, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्ट आई अर्न। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आप एक नई परिवार में आके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके इतने खुश हो रहे हैं यार, ये सबसे बड़ा जीत है। तो उम्मीद करता है सुरेश प्लेजर यार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा हार्ड है, ये एक आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जल चुकी वैसी कल्चर में हम लोगों ने आपने देखा होगा, जैसे यूनिफॉर्म और कुछ चीजें हम जैसे हम घर पे अलग करने की कोशिश की, और यही कुछ चीजें हैं। आज भी मैं प्रयागराज से सीधा आ रहा हूँ, तो वहाँ पे 10,000 लोग थे, एक यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो 22-24 साल के लड़के लड़के यहाँ 10-10 लाख, 15-15 लाख, तो नॉर्मल चीजें, बॉडी बॉडी जस्ट नॉर्मल। तो आज नहीं भाई, सुन भाई, आपको ये बता रहा था कि जो लोग इनकम छोड़ गए हैं ना, जाने कौन देगा। ये जो आप बता रहे हैं लोग इनकम छोड़ गए हैं, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं ना, तो अपना पूरा तैयारी कर लेते हैं, और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर रसी की पूरी तैयारी व्यारी सब कर ली होगी। प्लान तो नहीं, प्लान तो नहीं। ओके वंडरफुल। तो कोई बात नहीं, तो एक बात प्रेस्टीज को की मैनेजमेंट को बताना बहुत जरूरी हो जाता है यार। फिर तो आपको अभी 5 मिनट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एमडी सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, 1983 में वर्ल्ड की नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी 12 साल, 1995 में मोदी केयर, 2001 तक, 2001 से 2004 उन्होंने बताया कि अलग कंपनी, राइट। 2004 में हम लोगों ने बेस्टी शुरू की, यानी कि 1983 से लेके आज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो आप बता चुके हो, इट्स कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट मोर देन 35 इयर्स। 1995 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और 95 नवंबर मैंने ज्वाइन किया था, और वहां पे एक तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं जानता था, पता भी नहीं होता था डॉलर और क्या है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और जब उस कंपनी में ज्वाइन किया तो हमारे को तब पता चला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। हमारे को इंडक्शन दिया गया, बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है। तकरीबन 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को मार्केट में भेजा गया फैलाना है। 2001 तक ऑरिफ्लेम में रहा, लॉजिस्टिक्स में रहा, सेल्स में रहा, पूरे रीजन नॉर्दर्न रीजन का हेड था। 2001 में मुलाकात हुई एमडी सर से,